वेल, रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर परचम लहरा रही है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस में अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा जो है उससे ऊपर ही पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म 230 करोड़ के ऊपर जो है कमाई कर चुकी है। अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म का एक डिलीट किया हुआ सीन जो है वो काफी वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो पे लोगों के काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या है वो वायरल वीडियो, देखिए इस वीडियो क्लिप में। रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर परचम लहरा रही है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बने इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार और सराहना मिल रही है। अब फिल्म का एक डिलीट किया हुआ सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआत में अर्जुन वैली के म्यूजिक वीडियो में भी दिखाया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। एनिमल ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है, ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। अब निर्माताओं ने फिल्म से एक सीन हटा दिया है जो अर्जुन वैली गाने के वीडियो में दिखाया गया था। म्यूजिक वीडियो में एनिमल का एक सीन दिखाया गया है जिसमें घायल रणबीर कपूर एक निजी जेट पर शराब की बोतल पकड़े दिखे। उस सीन में ये भी दिखाया गया है कि अभिनेता पर हमला किया गया है और उनकी आंखों पर चोट लगी हुई है। रणवीर को शराब की बोतल पकड़े हुए और अपने चचेरे भाइयों के साथ एक निजी जेट पर दिखाया गया है। इसके बाद अभिनेता पायलट को एक तरफ ढकेलने और ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। ये सीन गाने वाले वीडियो में दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और अब इसे फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। वहीं बात करें तो एनिमल ने अपने ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई की है। रणबीर कपूर की इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 230 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। इतना ही नहीं, साउथ में भी फिल्म धूम मचा रही है।